हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं ये सारे आर्ट सप्लाइज जो हमने रिसेंटली लिए हैं। तो ये यूनिकॉर्न किट से हम करेंगे स्टार्ट, जो है हमारे न्यू सप्लाइज का एक पार्ट। कितनी अमेजिंग किट है ना, चलो फटाफट से अनपैक करते हैं। तो इस किट में हमें साथ में छोटी वाली स्केच पेंस भी मिली है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस चाहिए तो हम यूज़ करेंगे ये ब्रश पेंस। तो स्केच पेंस में हमारे पास 5 कलर्स ही थे, लेकिन ब्रश पेंस में हमारे पास टोटल 12 कलर्स है। वैसे ये किट में पीछे इमेज भी दी हुई है एंड हम उस अकॉर्डिंग भी कलरिंग कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो, हम कुछ क्रिएटिवली कलर करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ यूनिकॉर्न, हम कर रहे हैं येलो कलर। वैसे इस पूरे पिक्चर में कलरिंग करने में ना बहुत ही मजा आने वाला है। एंड अब हम यूज करेंगे पिंक कलर। यूनिकॉर्न किन किन लोगों का फेवरेट है वो जल्दी से यूनिकॉर्न वाला इमोजी कमेंट करो। यूनिकॉर्न्स तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो अब हम यूज करने वाला है टोटल 5 डिफरेंट कलर्स, पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। अब रेनबो में कौन कौन से कलर्स फिल करें, क्योंकि एक कलर माइनस करना होगा, तो उसी अकॉर्डिंग कलरिंग स्टार्ट कर दिया। एंड जब तक मैं रेनबो का कलरिंग कंप्लीट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट DIYs आपको कौन कौन से चाहिए। तो रेनबो में जैसे ही कलर कम्प्लीट हुआ, मैंने यूनिकॉर्न की आईज में पिंक कलर कर दिया। सो फाइनली पूरा कलरिंग कंप्लीट हो गया है एंड अब हम यूनिकॉर्न के हॉर्न में गोल्डन कलर कर लेंगे। और मेरे पास गोल्डन ब्रश पेन ऑलरेडी थी, सो मैंने उसी से कर लिया। एंड ये है हमारे कलरिंग का फाइनल रिजल्ट। मुझे तो काफी अच्छा लगा, आई थिंक आपको भी काफी अच्छा लगा होगा ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला कैनवास। एक्चुअली ये कैनवास की साइज ना हमने अभी तक जो सारे कैनवासेस ली है उससे थोड़ी सी अलग है, तो हमारे शोकेस में कुछ डिफरेंट साइज का कैनवास ऐड हो जाएगा। चलिए अब ये सोचते हैं कि हम इस कैनवास पर क्या बनाएं। वैसे इसकी साइज है 4x8 inches एंड प्राइस है 44 rupees। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर हम कुछ पेस्ट्री या कपकेक या ऐसा कुछ बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने कुछ और सोचा। दीदी वो क्या सोचा है, जल्दी बताओ ना। यस बताती हूँ। सो मैंने ये सोचा है कि हम बनाएंगे चॉकलेट ओवरलोडेड मिल्क शेक। वाव दीदी, सुनने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो रफ स्केच हो गया है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। ये है हमारे सारे एक्रेलिक कलर्स एंड इन कलर्स में से कुछ ऐसे कलर्स है जो हमने रिसेंटली लिए है, जैसे कि ये क्रीम कलर जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। अब हम यूज कर रहे हैं पर्ल मेटालिक कॉपर कलर, जिससे थोड़ी सी शाइनी इफेक्ट आएगी। अब हम मिक्स करेंगे क्रीम, ब्राउन एंड रेड कलर टू मेक मस्टर्ड और पीनट ब्राउन कलर। एंड ऑफ कोर्स क्रीम की जगह व्हाइट भी ले सकते हैं। देन ब्लू, येलो एंड रेड को मिक्स करके चॉकलेटी ब्राउन कलर बनाया। एंड ब्राउन कलर तो हम बहुत से डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके बना सकते हैं, जैसे कि येलो एंड पर्पल। पर्पल का एग्जैक्ट शेड नहीं था, इसलिए थोड़ा सा पिंकिश पर्पल भी ऐड कर दिया। एंड इससे बन गया हमारा सैंड ब्राउन कलर। तो हम जो चॉकलेटी मिल्क शेक बना रहे हैं, उसके लिए ब्राउन के डिफरेंट शेड्स चाहिए। एंड हम बहुत से अलग अलग कलर्स को मिक्स करके ब्राउन कलर बना सकते हैं, वो भी डिफरेंट शेड्स में। अब हम बनाएंगे पिंक कलर, लेकिन पिंक कलर का बेसिक शेड तो हमारे पास है, सो हमें रेड एंड व्हाइट को मिक्स करके बनाने की जरूरत नहीं है। बस हमें थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए, इसलिए मैंने क्रीम एंड पिंक को मिक्स करके लाइट पिंक बना लिया। वैसे क्रीम की जगह हम व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। तो बाकी सब कुछ तो कलर हो गया है, अब फाइनली हम कलर करेंगे चॉकलेट। एंड यस, क्रीम कलर में थोड़ा सा पिंक कलर ऐड करके शेडो इफेक्ट दे दी। नाउ फाइनली एवरीथिंग इज डन, सिर्फ ग्लास को पेंट करना बाकी है। बैकग्राउंड में मैंने फटाफट से येलो कलर अप्लाई कर लिया एंड नाउ इट्स टाइम टू डू आउटलाइंस। सो 1, 2, 3 एंड इट्स डन। हमारा बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट ओवरलोडेड मिल्क शेक रेडी है। इसमें डोनट है, चॉकलेट क्रीम है एंड ऑफ कोर्स चॉकलेट तो है ही। अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हम यूज करने वाले हैं, वो है ये क्ले।
तो सुपर क्ले से हमने बहुत सारे DIYs बनाए हैं, लेकिन ये वाले क्ले से कभी नहीं बनाए, तो सोचा एक बार ट्राई करना तो बनता है ना। इसमें पीछे कलर मिक्सिंग भी दिया हुआ है, सो जो कलर्स नहीं आया है वो कलर्स भी हम कुछ कलर मिक्स करके बना सकते हैं। एंड ये सारे है पेस्टल कलर्स। सुपर क्ले में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स तो आते हैं, लेकिन पेस्टल कलर्स नहीं आते, सो डायरेक्टली पेस्टल कलर्स वाली क्ले से भी हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे कलर्स को अलग कर लेते हैं। एंड ये वाली क्ले का टेक्सचर ना सुपर क्ले से थोड़ा सा हार्ड है, तो बनाने में आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेपर के ऊपर बटर पेपर स्टिक कर दिया ताकि क्ले स्टिक ना हो जाए पेपर से। एक्चुअली क्ले से कुछ भी DIY बनाने के लिए ना टेलकम पाउडर से भी ज्यादा बटर पेपर वर्क करता है। सो अगर आपकी क्ले भी टेबल या पेपर के साथ स्टिक हो जाती है तो आप ये वाला आइडिया जरूर ट्राई करना। एंड मैंने क्ले को शेप देना ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। ये है पेस्टल ऑरेंज कलर। तो मैं बना रही हूँ कलरिंग पैलेट। एंड मैंने हाफ क्ले कट की थी, उसमें थोड़ी सी क्ले बच गई थी, तो मैंने रैंडमली ही राउंड शेप दे दिया, फिर दोनों में कीरिंग के लिए होल्स कर लिए। एंड अब हम पैलेट में कुछ कलर्स ऐड करेंगे। उसके लिए थोड़ी सी क्ले लेनी है, उसको राउंड राउंड करना है एंड सिर्फ थोड़ा सा फ्लैट करना है, एंड इट्स डन। एंड मैंने कीरिंग के लिए एक होल किया, उससे आप समझ गए होंगे कि हम कीचेन बनाने वाले हैं। नेक्स्ट हम बना रहे हैं कलर ट्यूब। सो ऑलमोस्ट रियल कलर ट्यूब जैसी मैंने मिनी ट्यूब बनाई, और पिंक कलर को ना मैंने इस तरह से स्लाइस की तरह कट किया एंड डायरेक्टली ऐड ही कर दिया। एंड जब ये ड्राई हो जाएगी फिर हम इसका कीचेन बना लेंगे। अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे ये वाले कलर्स। ये है टेम्परा कलर्स। एंड इन कलर्स को यूज करने के लिए कैनवास से बेटर ड्राइंग बुक रहेगी, तो मैं ये यूज करूंगी। तो ये कलर से जो हम पेंट करने वाले हैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रफ स्केच बनाएंगे। एंड उसमें मैंने बनाया है एक हाउस, लेकिन सिंपल नहीं, काफी यूनिक व्यू बनाया है, एंड हियर इट इज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे वो तो आपको पता है ना। यस, पेंसिल की लाइनिंग्स लाइटली इरेज करेंगे। तो अनपैक करने से पहले मैं ये देख रही थी कि इसमें कौन कौन से कलर्स है, साथ में एक छोटा सा ब्रश भी आया है, एंड टोटल 12 डिफरेंट कलर्स है। तो चलो फटाफट से पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड हम दो कलर्स मिक्स करने वाले हैं। पहले मैं हाउस में ब्राउन कलर करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा वॉल्स में ये वाला कलर करते हैं। क्रीम एंड येलो को मिक्स करके पेंट करना स्टार्ट किया, देन उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड किया, तो हमारा एकदम ही लाइट ब्राउन कलर बन गया। फिर रूफ टॉप में रेड कलर ऐड किया, डोर में ब्राउन कलर, एंड विंडोज को कलर किया। वाटर कलर्स हो या टेम्परा कलर्स, पेंटिंग करने में तो बहुत ही मजा आता है। तो ब्लू एंड व्हाइट को मिक्स करके विंडो में किया, उसमें थोड़ा सा और ब्लू ऐड करके शेडो दी। सो ऑफ कोर्स पेंटिंग करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स होती है, उनको काफी ध्यान से पेंट करना पड़ता है, लेकिन पेंटिंग करने में मजा बहुत ही आता है। पूरा हाउस तो पेंट हो गया, उसके सामने वाले बिल्डिंग्स भी पेंट कर लेते हैं। एंड स्काई को पेंट करने के लिए मैंने व्हाइट एंड ब्लू कलर को मिक्स किया, विच गोज विदाउट सेइंग। एंड अभी तक हमने बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस बनाए हैं, लेकिन इस बार वाला सबसे यूनिक है। यहाँ पे ये सारे क्लोथ्स ड्राई हो रहे हैं। एंड अब हम करेंगे लाइट ग्रीन कलर। एक मिनी गार्डन बनाया है, उसके लिए लाइट टू डार्क शेड्स यूज करेंगे ग्रीन कलर के। सो एज ऑलवेज स्टार्ट किया मैंने लाइट ग्रीन कलर से। वैसे न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाइज ट्राई करने में मजा तो बहुत ही आता है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि वो कैसा टर्न आउट होने वाला है। एंड टेम्परा कलर्स की ये बात मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है कि इसमें डार्क कलर्स के ऊपर लाइट कलर्स भी हो सकता है, जस्ट लाइक एक्रेलिक कलर। इसमें गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स भी आए थे, बट ये वाले पेंटिंग में उनका कुछ यूज नहीं हुआ। एंड यस यस, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि हमारा पेंटिंग बनके रेडी है। आज के सारे DIYs में से आपका फेवरेट DIY कमेंट्स में बताना। एंड यस यस, हमने ये जो क्ले से किचन बनाने के लिए ये 3 थिंग्स बनाई थी वो अभी तक ड्राई ही नहीं हुई है, सो आई थिंक इसे अभी 24 आवर्स के लिए ड्राई होने रखना पड़ेगा। बाकी की क्लेस तो अभी तक ड्राई हो जाती है, लेकिन मे भी ये वाली क्ले को थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा सूखने के लिए। बाय बाय।